के लिए मंत्री को भेजा, तब तक प्रहलाद को खोज करके लेकर गए। इधर पूछने लगे कि हे पुत्र, तुम कहां पर घूम रहे थे? अंबाद हे पधु पुत्रा बीरंग महाज सोचितम। कहा हे पधु पुत्र, तुम कहां पर घूमते थे? इतना समय कहां पर लगा दिया तूने? तब तक किधर गले में तुलसी का माला देखा, गोद में तो ही उठा लिए हिरणा कच्छप ने प्रहलाद को, लेकिन जब तुलसी का माला देखा गले में, कहा पुत्री है तुमको माला किसने कंठी दिया? कहा नारायण नारायण। जब नारायण का नाम लिया, कहा पुत्र ये नारायण क्यों बुलाते हो? नारायण तुम्हारे पूर्वजों को मार डाला है, तुम्हारे पूर्वजों की शत्रु है नारायण। नारायण का नाम मत लो, सबका वध कर दिया है नारायण ने। और नारायण ब्रह्मा विष्णु शंकर जितने देवता नारायण सब मैं हूं, मुझे भी नारायण कहो। नारायण कोई दूसरा नहीं है। जब हिरण्यकश्यप ने ऐसा कहा, कहा नहीं पिताजी, जब जलती अग्नि में बिल्ली के बच्चे मटकी में बच गए तो मुझे विश्वास हो गया कि नारायण कोई दूसरा है, आप नारायण नहीं है। धक्का दे करके हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पटक दिया। जब प्रहलाद को पटक दिया तब तक कयाद वहां पर आकर पहुंच गई। जब कयाद पहुंची और नाम से तलवार को निकाला हिरण्यकश्यप ने की पुत्र प्रहलाद, अब आज से ही नारायण का नाम नहीं लेना, नहीं मैं तो तुम्हारा वध कर दूंगा। तब तक कयाद पहुंची, कयाद ने अपनी आंचल पसार करके और हिरण्यकश्यप से कहने लगी कि स्वामी, कि मेरे कहने से फेंक दो हे प्राणनाथ तलवार, और दासी भिक्षा मांगती दे दो प्राण आधार। कहा हे स्वामी, हमारी कहने से तलवार फेंक दो, आज ये दासी आपसे भिक्षा मांग रही है और मेरे पुत्र को मुझे दे दो। तलवार को पकड़ लिया, मूर्छावंत हो करके वो कयाद गिर गई। जब मूर्छावंत हो करके गिर गई, इधर हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद तो नारायण का नाम छोड़ेगा नहीं, इसके लिए क्या उपाय किया जाए?